70 साल पुराना पार्टी जो 95% मट गई, शर्म नहीं आता है तुमको? कांग्रेस तुम्हें शर्म नहीं आता है? चमचम तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसको सपोर्ट तुम करते हो, इसलिए नहीं आते कि अगर मोदी जी राम का नाम लेके वोट नहीं लेते, अगर राम का नाम का मुद्दा नहीं लेते तो उनको वो भी वोट नहीं मिलता। अगर नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय अगर नहीं देता नरेंद्र मोदी तो फिर पलटी मार दे। अगर नीतीश कुमार चल भी जाते हैं तो हमारी सरकार नहीं गिरेगी। नायडू भी चले, नायडू कहाँ से चल जाएगा? नायडू चल जाएंगे तो वहाँ की राज्य सरकार नहीं गिर जाएगी। भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नायडू जी भी आ जाएंगे, पंचानवे सीट लाकर प्रधानमंत्री बन जाओगे क्या? 3-4 सीट लाकर मुख्यमंत्री बन जाओगे क्या? चमचो, यही अंधभक्त जो 400 पार का नारा लगाते थे और आज 300 पार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। पूर्ण बहुमत जनता का वो नहीं है, पलटी मार देंगे। होना है, ये जरूरी है क्या? पूरे देश के युवाओं को इसकी जरूरत है। अरे नीला कबूतर, चंद्रशेखर आजाद का नीला कबूतर है। खेल कुछ भी हो सकता है, 3 दिन अभी बाकी है। अभी देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा लगा था कि जो नरेंद्र मोदी है वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार बनाने का दावा आसानी से पेश कर लेंगे, बहुमत ले आएंगे। लेकिन अब ऐसी चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू के सहारे जो है मोदी सरकार है, तो क्या इनके सहारे नैया पार हो गई या नीतीश कुमार और नायडू कोई बड़ा खेल करेंगे? जनता के साथ है, जनता से जानते हैं क्या सोचते हैं नायडू और नीतीश कुमार, कुछ बड़ा करने वाले हैं? बिल्कुल बड़ा हो सकता है, क्योंकि कल नीतीश कुमार की कार्य समिति की बैठक है, जो कि अभी आपने सुना होगा थोड़ी देर पहले न्यूज़ में कि नीतीश कुमार ने अपना सीधा स्टैंड क्लियर कर दिया है अग्निवीर योजना के ऊपर, जो कि 5 साल की जो योजना थी जो कि फौजियों के लिए, ठीक है, इस पर क्लियर कर दिया कि इस बिल को वापस लिया जाए, ठीक है। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम इससे पीछे हटेंगे नहीं, तो जब नहीं पीछे हटेंगे तो कैसे सरकार बन जाएगी? लाखों स्टूडेंट रोड पे आए थे, कितना प्रोटेस्ट हुआ था, फिर भी वापस नहीं ली थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी। पर अगर आज वापस नहीं लेंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार शपथ ग्रहण ले ही नहीं पाएगी 9 तारीख को, जिसको समझिए। नीतीश कुमार के एक अकेले से हटने से क्या होता है? चंद्र बाबू नायडू का भी बता देता हूँ आपको स्टैंड क्लियर, कि चंद्र बाबू नायडू भी कई सारे ऑप्शन तलाश रहे हैं, कई सारी चीजें उन्होंने बोली है, जैसे कि अपने उन्होंने मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करी थी, और भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक इन चीजों पे सहमति बनाएगी नहीं। जब सहमति बनाएगी नहीं तो सरकार कैसे बनेगी? मतलब उनकी जो मांगे वो पूरी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो मिनिस्ट्री की डिमांड रख रहे हैं, ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रीज मांग रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी देंगे ही नहीं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ऐसे ऐसे मंत्रालय मांगे जा रहे हैं कि जो कि संभवता ही नहीं है। मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल, अभी मोदी नहीं बनेंगे। 3 दिन है, 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, इसी को समझिए। देखिए, सुनिए, पेपर पे स्टैंप, सुनिए, पेपर जो साइन करके एनडीए के घटक दलों पे दिया है, ये लोग सोचते हैं कि वो स्टैंप पेपर पर दे दिया है, जो कि आपको पता है कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र जीवित है, लोकतंत्र में ये चीजें मायने नहीं रखती। ये पेपर पर साइन करके दे दिया, इनको ऐसा लगता है कि पेपर पर साइन दे दिया तो एनडीए के घटक दल में शामिल हो गए। अरे खेला कुछ भी हो सकता है, 3 दिन अभी बाकी है, अभी देखिए 3 दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, चमचों को ना अभी भी भरोसा है, समझ गए? नहीं, जनता भाई, हम उनको नहीं ट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमको ट्रोल नहीं है, हम बोल रहे हैं चमचों को अभी भी भरोसा है। जो नीतीश कुमार ने कल की बैठक में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम मोदी जी, हम आपके एनडीए के सरकार में के साथ में है, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। राजद को भी बोले थे कि छोड़कर नहीं जाएंगे एनडीए में चले। वैसे तो केजरीवाल भी बोला था कि हम अपना बेटा के कसम खा रहे हैं, वैसे तो केजरीवाल भी बोला था। अरे मैडम, वैसे तो हर एक पार्टियां बोलती है ना, उन्होंने बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि हम सरकार, हम भरोसा ही, भरोसा एकदम 100% दोनों चले जाएंगे ना, टीडीपी नीतीश भी, तो भी सरकार चलेगी, टेंशन फ्री रही है। हम जुड़वा रहे हैं भैया, जाने दो ना, कल नहीं आज चले जाए दोनों। अरे सुनो चमचो, पहले सुनो, चमचो ऐसे ही बोल रहा हूँ। पहली बात तो नीतीश कुमार, अगर हमारे अगर ये धोखा तो है, इन पर भरोसा करने लायक नहीं है, भरोसा करने लायक है नहीं, लेकिन हमने भरोसा किया और वो आश्वासन दिए हैं कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर नीतीश कुमार चल भी जाते हैं तो हमारी सरकार नहीं गिरेगी। नायडू भी चले, नायडू कहाँ से चल जाएगा? नायडू चल जाएंगे तो वहाँ की राज्य सरकार नहीं गिर जाएगी। वहाँ की राज्य सरकार पूरा समर्थन है, वो बेवकूफ, पता नहीं है तुमको 132 सीट है उसमें, उसके बाद वहाँ की सरकार नहीं गिरेगी, तो पता है तुमको, पढ़ लिखे हो यार, 132 सीट जीत के चंद्र बाबू नायडू 132 सीट जीत के आए हैं, सबसे बड़ी पार्टी। तुम ही बोलते थे, तुम ही बोलते थे, तुम्हारे जैसे चमचे ही बोलते थे, समझे? क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? कांग्रेस, बीजेपी,
50 सीट पे 150 सीट पे संभल जाएगी। अरे संभल जाएगी। अरे आपके सामने आपके मीडिया के माध्यम से ये कह रहे कि वहाँ पे सरकार गिर जाएगी, इनको ये पता है। अरे रुको ना भाई, सबसे गलत सीट है भाई, अरे पता ही नहीं क्या। हम बोलना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय अगर नहीं देता है नरेंद्र मोदी, तो फिर पलटी मार दे। कहाँ जाएंगे? सरकार विरुद्ध इंडिया गठबंधन में बनेगी। जैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं, कि नायडू जी भी आ जाएंगे, विकास अगर पलटी मार करके ही देश का विकास होता तो करना चाहिए। आप नायडू जी के सुनो, नीतीश कुमार की सीट गिन लो, फिर भी हमारी सरकार रहेगी। क्या बोलते हैं यार, क्या ज्यादा पढ़ लिए हो? एक मिनट, इनकी दोनों की 28 सीटें हैं, 16 और 12, तो ये ऐसा ही है ना, 28 सीटें कम 30 मान लो, 30 एक मिनट सुन लो, 30 सीटें कम कर दो दोनों की निकाल के, कितनी रह गई बीजेपी की? 263 रह गई, 263, मतलब जो इनके छोटे मोटे सहयोगी उनकी सबकी। निर्दलीय टोटल 18 है, जिसमें 10 टोटल 10 भाजपा के संपर्क में, 10 4। अरे भाई की नहीं, कौन जानता है, सामने आ जाएगा। बाबू नायडू और नीतीश कुमार, बिल्कुल अगर ये दोनों नहीं, अगर चेहरा अगर खिलाड़ी अगर कोई है, यही दोनों खिलाड़ी हैं अगर, लेकिन ये कतई ना भूले कि नायडू जी कभी भी पलटेंगे नहीं। 9 तारीख का शपथ ग्रहण है, कौन बनेगा प्रधान, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। 95 सीट लगा प्रधानमंत्री बन जाओगे क्या? 30-40 सीट लगा मुख्यमंत्री बन जाओगे क्या? चमचो बिहार की अयोध्या से बने, तो हमारे बिहार के जनता है जो ने विकास का मतलब समझा। अयोध्या में विकास करने के बावजूद भी कुछ गद्दार हिंदुओं ने वोट नहीं भाजपा को दिया, गद्दार हो गया। 132 सीटें जीती है, आप ये कहते हैं कि सरकार के इनके पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से हमारी अयोध्या जो देश की पावन धरती हमारी राम नगरी हार गई। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कल की मीटिंग और निकलने दीजिए, जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, जब भी माइक पर आएंगे क्या देखेंगे? जब भी माइक पर आएंगे मोबाइल खोल लेंगे, पढ़ने लगेंगे। क्या पढ़ के आएंगे बोलना है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे 70 साल पुराना पार्टी जो 95% सीमट गई, शर्म नहीं आता है तुमको? कांग्रेस तुम्हें शर्म नहीं आता है? चमचा तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसको सपोर्ट तुम करते हो, इसलिए नहीं आती। अगर मोदी जी राम का नाम लेके वोट नहीं लेते, अगर राम का नाम का मुद्दा नहीं लेते तो उनको वो भी वोट नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, झटकने का काम क्या मोदी जी? वो पूर्ण बहुमत जनता का वो नहीं है, पलटी मार देंगे। होना है, ये जरूरी है, क्या पूरे देश के युवाओं को इसकी जरूरत है? अरे नीला कबूतर, नीला कबूतर, इसलिए चंद्रशेखर आजाद के नीला कबूतर है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से पब्लिक को जुमराह करने का काम किया, बर्बाद कर दिया पूरे देश को। सरकार नहीं है, लोग क्या करेगा लोग? अरे भैया गरीबों की सरकार नहीं है ये गरीबों को ठकने वाली सरकार है। नीतीश कुमार साथ रहेंगे कि पलटी मार देंगे? नीतीश कुमार को पलटी मारना पड़ेगा, क्योंकि वो विकास बिहार में किए हैं और उनको पता है कि युवा कितना बेरोजगार है पूरे देश में, उनकी उज्जवल भविष्य के लिए वो पलटी जरूर मारेंगे। एकदम मारना है, पटना की जनता के बीच है, जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो नीतीश कुमार है। अंधभक्त को बता दीजिए कि 135 सीट जीता था टीडीपी, तो सरकार कैसे गिर जाएगी? जब पूर्ण बहुमत उस व्यक्ति के पास सरकार है, पढ़े लिखे होते तो तब छप पता होता ना इन लोगों को। इस बार मोदी जी को नहीं आना चाहिए, यही अंधभक्त जो 400 पार का नारा लगाते थे और आज 300 पार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। नीतीश कुमार एकदम बिहार के विकास दिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार।